दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों फिर एक आपके लिए इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूं। आज करेंगे हम हरियाणा के भूषण के बारे में, जो SSC एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गजरा नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? ये पहना जाता है दोस्तों कलाई में। कलाई में क्या डाला जाता है? गजरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, गजरिया चांदी की जो बनी होती है वो आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बात कर रहे हैं दोस्तों हम गजरिया की। ये पहनी जाती है दोस्तों पाँव में। ये लड़कियों को ज़्यादा पता होती है, लड़कों को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इसमें, क्योंकि वो क्वेश्चन ये गलत कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लौंग नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बात कर रहे हैं हम लौंग की। तो लौंग पहना जाता है दोस्तों नाक और कान में डाला जाता है, नाक और कान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा RC, जो आयना जड़ित अंगूठी होती है, जो आयनों से जड़ी हुई एक अंगूठी होती है वो किस अंग में अब पहनी जाती है? वो पहनी जाती है दोस्तों स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में। स्त्रियां पहनती है दाहिने हाथ के अंगूठे में। RC की बात कर रहे थे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कड़ा नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बात कर रहे हैं हम कड़े की। कड़ा जो है आभूषण डाला जाता है हाथ या पाँव में, दोनों में डाला जा सकता है कड़ा। अगला क्वेश्चन, छाछ चांदी का जो बना होता है नामक आभूषण किस अंग में पहना? तो ये पहना जाता है दोस्तों माथे पर। छाछ जो चांदी का बना होता है वो पहना जाता है माथे पर, जो महिलाओं का एक ये आभूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुटकी जो चांदी की छल्ली टाइप की बनी होती है ये आभूषण किस अंग में पहना जाता है? ये पहना जाता है दोस्तों सुहागिन स्त्रियों द्वारा पैर की उंगली में। सुहागिन स्त्रियां किस में डालती है? ये पैर में। चुटकी जो एक महिलाओं को लगभग ये पता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीशफूल नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बात कर रहे हैं हम शीशफूल, जो आज से 4-5 साल पहले लड़कियां और स्त्रियां डालती थी, तो ये स्त्रियों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला एक आभूषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाली नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो ये है दोस्तों कानों में। बाली किस में डाली जाती है? कानों में। ये तो एक हल्का फुल्का सा क्वेश्चन है, लेकिन हमने कवर कर दिया इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरली नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बात कर रहे हैं हम पुरली की। तो पुरली डाली जाती है दोस्तों नाक में बाईं तरफ। पुरली, ये नाम थोड़ा अजीब सा है तो हमें ये याद करने की जरूरत है। पुरली डाली जाती है नाक में बाईं तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, चंदन हार नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बात कर रहे हैं हम चंदन हार की। ये डाला जाता है दोस्तों महिलाओं द्वारा वक्ष स्थल पर। चंदन हार महिलाओं द्वारा वक्ष स्थल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, कड़ी जो चांदी की बनी होती है नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बात कर रहे हैं हम चांदी की बनी कड़ी की। तो ये डाला जाता है दोस्तों पांव के टखने के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पुजली नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो पुजली जो छोटी छोटी लड़कियां भी डालती है, तो ये कानों में डाली जाती है। वैसे भी हमें नॉर्मल सा पता है पुजली जो कानों में डाली जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनंत नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो अनंत पहना जाता है दोस्तों महिलाओं द्वारा बाजू के ऊपरी भाग में। हमें कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए भी हमारे गलत हो जाते हैं, वो यही प्रॉब्लम होती है। तो हमें इन चीज़ों की ध्यान रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुर्की जो बालीनुमा आकार की होती है नामक आभूषण किस अंग में पहनी जाती है? तो मुर्की कौन डालते हैं दोस्तों? आपको पता ही है, पुरुष द्वारा कान में पहने जाने वाला एक प्रचलित आभूषण है। आजकल शौक के तौर पे भी डालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, टीका नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बात कर रहे हैं टीके की। तो टीका पता ही है दोस्तों, माथे पर लटका कर पहनते हैं टीका, जो किसका बना होता है? सोने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, पायल नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो पायल की क्या बात है? पायल तो आपको सबको पता ही है, जो पाँव में डाली जाती है। तो इसमें क्वेश्चन था तो हमें इसको भी लेना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कोका नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? जो कोका डाला जाता है दोस्तों वो महिलाओं द्वारा नाक में बाईं तरफ। ये बाईं दाईं भी कई बार पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी एक हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला देखते हैं हम। दस्तबंद नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो दस्तबंद डाला जाता है दोस्तों हाथ में। दस्तबंद की नामक आभूषण किस अंग में? हाथ में। तो इसको भी हमने कवर किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा,
पछेली नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। बात कर रहे हैं पछेली की, नाम भी थोड़ा अजीब है, लड़कियों को पता होगा ये डाला जाता है दोस्तों कलाई में, क्योंकि लड़कियां ही पहनती है तो उनको लाजमी पता होगा, तो ये पछेली डाली जाती है कलाई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, कर्ण फूल नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। बात कर रहे हैं हम कर्ण फूल की, तो ये भी एक हमारे लिए नया आभूषण है, महिलाओं द्वारा कान के निचले हिस्से में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नथ नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। नथ, ठीक है दोस्तों, नथ से नाक बन रहा है, नोज बन रही है, तो नाक में बाईं तरफ नथ नामक आभूषण डाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हार नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। तो हार दोस्तों पता ही है हमें, हार तो गले का ही होता है, तो एक हल्का सा क्वेश्चन है, ये भी कवर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, टार्ड नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। जो टार्ड होता है दोस्तों वो डाला जाता है बाजू में। टार्ड नामक आभूषण किस अंग में, बाजू में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये नाम थोड़े से अजीब है तो हमें अलग सा लग सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गलसिरी नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। गलसिरी, तो गलसिरी डाला जाता है दोस्तों गले में, इसके नाम से ही पता चल रहा है, गलसिरी से क्या बना हमारा गला, तो गलसिरी नामक आभूषण किस अंग में, गले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, झालर नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। बात कर रहे हैं हम झालर की, तो झालर भी दोस्तों कहाँ डाली जाती है, गले में। गले में पहने जाने वाला आभूषण है हमारा झालर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, फूल नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। फूल, फूल जो है दोस्तों वो सिर के ऊपर बांध कर लटकाया जाता है, तो ये हमारा हो गया फूल। फूल है सिर के ऊपर बांध कर पहने वाला आभूषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, हंसली या हंसला नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। हंसली या हंसला, तो ये पहना जाता है दोस्तों महिलाओं द्वारा गले में, ठीक है। हंसली या हंसला, ये हो गया हमारा महिलाओं द्वारा गले में। चलिए अगला देखते हैं हम, मंगलसूत्र नामक आभूषण किस अंग में पहने जाता है। तो ये सबसे प्रचलित है, हरियाणा संस्कृति से रिलेटेड विवाहित महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला ये आभूषण सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, पत्री जो पान के आकार का होता है, तो ये नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। तो ये पहना जाता है दोस्तों गले में, पत्री पान के आकार का, ये कहाँ पहना जाता है दोस्तों, गले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कांगनी हल्का कंगन, कांगनी जिसको हल्का कंगन भी बोलते हैं, नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। तो ये पहना जाता है दोस्तों कलाई में, कांगनी कैसे कलाई वैसे भी हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला, बिंदी नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। बात कर रहे हैं हम बिंदी की, माथे पर टिक्की के रूप में महिलाएं पहनती है, तो ये तो एक हल्का सा क्वेश्चन है, बिंदी नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। ये पहना जाता है माथे पर टिक्की के रूप में। गोफिया सोने का जो बना होता है, नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है, पुरुषों द्वारा गले में, ठीक है। गोफिया, एक गोफिया अलग भी होता है जो कपड़े का बना होता है, वो भी कहाँ, गले में ही डाला जाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो हमें इनके बारे में पता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन हमें नहीं पता है, तो वो हम इसके साथ साथ कवर कर रहे हैं। अगला है, कंठी नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। तो ये दोस्तों है पेडेंट की लटकन में जो महिलाएं पहनती है, पेडेंट की लटकन में महिलाएं कंठी नामक आभूषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, झुमका नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। महिलाओं द्वारा कान में पहना जाता है, जो झुमका महिलाओं द्वारा कान में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट बनता है हल्का सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, बोरला नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। माथे पर लटकते हुए महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ये क्वेश्चन जो गर्ल्स है वो आराम से सही कर सकती है, लेकिन जो बॉयज हैं उनको थोड़ा सा नहीं पता होता, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगूठी नामक किस अंगूठी सामान्यतः किस अंग में पहनी जाती है। तो अंगूठी दोस्तों अनामिका उंगली में, जो अनामिका उंगली होती है उसमें क्या डाली जाती है दोस्तों, अंगूठी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है हमारा, बाजूबंद नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। बात कर रहे हैं हम बाजूबंद, बाजूबंद आभूषण दोस्तों महिलाओं द्वारा हाथ या बाजू में पहना जाता है, महिलाओं द्वारा हाथ में, हाथ या बाजू में। अगला है हमारा, कठला नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। ये पहना जाता है दोस्तों गले में, कठला। अब ये भी एक अजीब सा नाम है, तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है, कठला नामक आभूषण पहना जाता है दोस्तों गले में। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा, कंगन सवा इंच मोटाई का जो कंगन बना होता है, नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। तो ये पहना जाता है दोस्तों महिलाओं द्वारा कलाई में, महिलाओं द्वारा कलाई में डाला जाता है कंगन। तो कंगन तो एक हल्का सा वैसे भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
बुजनी भारी आकार का झुमका, जो बड़े आकार का और भारी आकार का झुमका होता है ये आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है दोस्तों महिलाओं द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है बुजनी। अगला देखते हैं कठला नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? जो कठला पहना जाता है दोस्तों गले में पहना जाता है। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो कुछ नाम ऐसे अजीब से हैं जो हमें थोड़ा सा अलग लग सकते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट आभूषण है। अगला है हमारा सिंगर पट्टी बंदनी नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बात कर रहे हैं हम सिंगर पट्टी की, जिसको बंदनी भी बोलते हैं। ये दोस्तों पहनते हैं माथे पर, ठीक है, सिंगर पट्टी, ये भी एक महिलाओं से जुड़ा हुआ आभूषण है। चलिए अगला देखते हैं हम छत्तर कंगन नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? छत्तर कंगन नामक आभूषण किस अंग में? तो ये स्त्रियों द्वारा हाथ में पहना जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला है हमारा बेसर नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो बेसर नामक आभूषण जो है वो दोस्तों पहना जाता है नाक में। बेसर नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? नाक में। तो इस प्रकार से ये भी कवर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा शीश फूल नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? ये पहना जाता है दोस्तों स्त्रियों द्वारा सिर पर, ये शायद पहले भी आ गया क्वेश्चन, तो इस प्रकार से इसको हमने कवर किया।